हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका लेक्चर नंबर आ गया है 10। तो आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है? आज के लेक्चर में हमें देखना है कि जो जेनेटिक मटीरियल है वो क्या है। ठीक है, जेनेटिक मटीरियल के कुछ फीचर्स होते हैं, तो वो फीचर्स क्या हैं, एंड उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है या फिर आरएनए। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, डीएनए वर्सेस आरएनए, कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, किसको हमने जेनेटिक मटेरियल बोला, एंड कौन से उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैं जिनकी वजह से हमने उसको जेनेटिक मटेरियल बोला। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। बट शुरुआत करने से पहले हम उन दो स्टूडेंट्स के नाम जान लेते हैं जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, एंड तक वो बने रहे। कुछ क्वेश्चंस के उन्होंने गलत आंसर भी किए, बट कुछ आंसर्स उन्होंने सही भी दिए। ठीक है, तो आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे भी बोर्ड पे उसको सॉल्व करके बताती हूँ किस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो हमने 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, एंड एंड तक जो बने रहे जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा उस लेक्चर से, उनके नाम मैं आज लेना चाहूँगी। उसमें दो स्टूडेंट हैं मेनली, वो है, पहला है चिन्मय सेठी, सेकेंड है भावना रानी। ठीक है, तो ये दो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एंड तक क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है। सो कंग्रेचुलेशंस। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम लिया जाए लेक्चर में, तो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि दो या तीन जब हमारे लेक्चर्स हो जाते हैं तो उसके बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस रखते हैं। ठीक है, वो सेशन रखते हैं जिसमें एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकें, उसके बीच में से मैं क्वेश्चंस बनाती हूं। तो चलिए अब आप हेडिंग डाल लीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटीरियल? हमें ये देखना है आज के लेक्चर में कि जो जेनेटिक मटीरियल है वो क्या है। ठीक है, मतलब डीएनए है या फिर आरएनए है। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8, ठीक है, उसमें हमने ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। हमने नहीं, किसने प्रूव किया था, वो किया था जो हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट देखा था, हर्सी एंड चेस। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है। उन्होंने प्रोटीन को रिजेक्ट कर दिया था, उनके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया था। उन्होंने क्या दिया था, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मतलब काफी ऐसे मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, बट कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। समझ में आया कि क्या है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे आपकी बुक में गिवन है टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी जो होता है, टोबैको मोजाइक वायरस, इसमें आरएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ठीक है, टीएमवी में क्या है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ओके, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल है जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वो है क्यूबी बैक्टीरियोफाज। तो मैं चाहूंगी आप इनके नाम याद कर लें। दो हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, कौन सा है, टीएमवी एंड क्यूबी बैक्टीरियोफाज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं डीएनए को, कि डीएनए ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि आरएनए भी तो मिलता है किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, तो सिर्फ हम डीएनए को कैसे बोल सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर के बेस पे हम बता रहे हैं, क्योंकि हर्सी एंड चेस ने बताया था कि जो डीएनए होगा वही जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। तो अब क्या है, हमें देखना है डीएनए वर्सेज आरएनए, कौन सा इसमें बेटर है, तभी तो हमें पता चलेगा कि इसमें ये बेटर है, इस वजह से हम इसको जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं। समझ में आया? तो हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखनी है। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बेसिस पे हम इनको बोल रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या फिर आरएनए है। तो कुछ प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इनको ही, और
सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक मटीरियल. तो हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं इसमें कि कौन कौन से वो फीचर्स होंगे एक गुड जेनेटिक मटेरियल में, या फिर हम बोल सकते क्राइटेरिया जिनको वो फॉलो करता हो उसी को हम गुड जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे. तो इसके लिए फोर फीचर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, याद रखना है, सिंपल है, समझ में आ जाएगा. फोर फीचर्स हैं, मतलब फोर उसके प्रॉपर्टीज हैं क्या होनी चाहिए गुड जेनेटिक मटेरियल की. पहला, इट शुड मेक इट्स रेप्लिका. रेप्लिका मीन्स क्या बनाए, वो अपनी कॉपी बनाए, दैट मीन्स रेप्लिकेशन करे, ठीक है. वही गुड जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि क्या कर सके, अपनी खुद की कॉपी बना सके, जो कि रेप्लिकेशन इसका मतलब क्या हो, उसमें पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है. तो दूसरा फीचर क्या होगा, दूसरा फीचर है कि वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या हो, स्टेबल हो, कि उसको जल्दी से खत्म ना किया जा सके. तो इससे हमें पता चलता है इट शुड बी स्ट्रक्चरली स्टेबल, स्ट्रक्चरली एंड केमिकली. क्यों, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या हो, स्टेबल हो. इन एक एक पॉइंट्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आ जाएगा. थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि इट शुड एक्सप्रेस इट्सेल्फ एज मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न. इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो भी जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए है या फिर आरएनए है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, जैसे कि डीएनए होता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, एंड देन क्या बनता है, प्रोटीन हो उससे बनता है. जिस टाइप का मतलब डीएनए होता है वो एक स्पेशल टाइप का आरएनए बनाएगा, एंड वो आरएनए स्पेशल टाइप का आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा. जब प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बनती हैं तो वो कुछ ट्रेट्स को एक्सप्रेस करती हैं, जैसे कुछ गुण होते हैं हमारे कि कहाँ पे कैसा कलर होना चाहिए, किस तरीके, मतलब किसी भी तरीके की जो जीन है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्रेट है, हमारा कैरेक्टर है, उसको शो करती है. जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, ट्रेट्स, तो हाइट को या फिर मतलब क्या बोल सकते हैं हम, ट्रेट एक्सप्रेशन. मेंडल के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि वो कैरेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं, हमारे कैरेक्टर्स हमारे जो बच्चे होंगे उनमें जाएंगे, तो उन उसी पैटर्न को जो फॉलो करे. इसका मतलब ये है कि मतलब जो आरएनए, जो भी डीएनए है वो आरएनए बनाए, आरएनए से प्रोटीन, एंड प्रोटीन से क्या बने, वो एक कैरेक्टर को शो करे. एंड ये जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो हमारे ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर हों, ठीक है. तो इस तरीके का जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए जो कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करे, ठीक है. जैसे किसी भी टाइप का जो आरएनए बना है उसने प्रोटीन बना दिया, वो प्रोटीन एक स्पेसिफिक ट्रेट को शो करेगा, उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करेगा कि इसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, इसका कलर कैसा होगा, इसके आईज का कलर कैसा होगा, इसके हेयर का कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, वो स्ट्रेट हेयर होंगे या फिर कर्ली हेयर होंगे, समझ पा रहे हैं. तो ये कुछ ट्रेट्स होते हैं जिनको ये एक्सप्रेस करता है, क्लियर है. अगर आरएनए है तो आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो अपने आप को फटाफट एक्सप्रेस करेगा एंड प्रोटीन बना देगा, समझ पा रहे हैं इस चीज को, प्रोटीन बनाएगा एंड ट्रेट का एक्सप्रेशन होगा. तो इसका मतलब जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करे वो क्या होगा, गुड जेनेटिक मटेरियल.
फोर्थ एंड लास्ट हमारा जो फीचर है वो क्या होगा कि गुड जेनेटिक मटेरियल वही होता है जो क्या कर सके, म्यूटेशन कर सके, ठीक है। म्यूटेशन भी स्लो म्यूटेशन अगर हो तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इट शुड म्यूटेट, जब म्यूटेट इट्सेल्फ, ये खुद को म्यूटेट कर सके। एंड म्यूटेशन होने से क्या मतलब है कि ये एवोल्यूशन को बढ़ा रहा है, मतलब एवोल्यूशन होने के चांसेस होंगे, ठीक है। गुड फॉर एवोल्यूशन, कि इससे एवोल्यूशन होता है। तो आप सबको पता है एवोल्यूशन में हमारे अंदर कुछ चीज़ें जाते हैं, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, उसके बाद हम धीरे धीरे एक तरीके से बोल रहे हैं एवोल्यूशन होके हम इस तरीके से बन गए हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन को जो लीड करे तो इस तरीके का जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो फटाफट आपको याद होने चाहिए, फटाफट आप याद कर लीजिए अभी के अभी कि कौन कौन से इसके कैरेक्टर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कौन कौन से फीचर्स होते हैं एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल के। पहला है कि वो रेप्लिका बनाए, रेप्लिकेशन कर सके, अपने जैसी ही वो कॉपी बना सके, ठीक है। तो दूसरा क्या होना चाहिए, शुड बी स्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। एंड केमिकली भी स्टेबल होनी चाहिए, मतलब उसकी जो केमिकल जो जिससे वो मिलके बना है वो भी उसकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर एंड केमिकली हम बोल सकते हैं जो जिस केमिकल से वो मिलके बना है, जैसे कि डीएनए में क्या होता है, यूरेसिल सॉरी थायमिन प्रेजेंट होती है, लेकिन जो आरएनए है उसमें क्या है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो इनमें से स्टेबल कौन सा है, ज्यादा जो रिएक्टिव ना हो तो वो है थायमिन, ठीक है। यूरेसिल क्या है, रिएक्टिव ज्यादा है, तो इसकी वजह से वो क्या है, स्टेबल नहीं है, ओके। तो ये सारे कैरेक्टर हम देखेंगे। इट शुड एक्सप्रेस इटसेल्फ, बता दिया कि किस तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को जो फॉलो करे एक तरीके से, राइट। अब फोर्थ है इट शुड म्यूटेट इटसेल्फ, मतलब वो अपने आप को म्यूटेशन उसके अंदर हो, जब म्यूटेशन होगा तो वो इवोल्यूशन की तरफ लीड करेगा, ओके। तो अब हम देख लेते हैं वन बाय वन इनको अच्छे से, क्योंकि इनमें हमें देखना है डीएनए इसको मानता है या नहीं मानता है, इसको फॉलो करता है या नहीं करता है, आरएनए इसको फॉलो करता है या नहीं करता है, ऐसे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मेक रेप्लिका, इसका मतलब रेप्लिकेशन हो, एक अपने जैसी ही जो कॉपी बना सके। तो अगर हम बात करते हैं कि ये फीचर कहां से आता है, किस वजह से रेप्लिकेशन हो सकता है, तो हम बता सकते हैं कि जिसके अंदर बेस पेयरिंग की प्रॉपर्टी हो, बेस पेयरिंग, एंड दूसरा पॉइंट है कॉम्प्लीमेंटेरिटी। ये दो प्रॉपर्टीज जिसके अंदर होंगी तो वो क्या होगा, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। मतलब ये दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, बेस पेयरिंग का क्या मतलब है, जैसे कि हमारा डीएनए है, अगर हम बात करते हैं डीएनए की, डीएनए तो इसके अंदर बेस पेयरिंग होती है कि जैसे ये डबल स्टैंडर्ड हमारा डीएनए है, इसमें बेस पेयर्स होते हैं, जैसे ए टी से पेयरिंग करके रखता है एंड जी सी के साथ पेयरिंग करके रखता है, ठीक है। तो इनको हम बेस पेयर्स बोल रहे हैं। तो इसमें डीएनए में ये कैरेक्टर होता है कि वो बेस पेयरिंग करता है। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंटरिटी का क्या मतलब है कि अगर हम इस डीएनए को खोल देते हैं इस तरीके से, जैसे एक स्ट्रैंड ये है इसका एंड एक स्ट्रैंड ये है डीएनए का, तो अगर हम इसको खोल देते हैं तो ये जो डीएनए है, एक ये डीएनए एंड ये, मतलब दो स्ट्रैंड से मिलकर बना है डीएनए, तो इसका ये जो स्ट्रैंड है ये क्या करेगा, जैसे इसके ऊपर ये बेसिस है नाइट्रोजनस बेसिस ए टी जी सी टी ए ए, कुछ इस तरीके से नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो अब क्या करेगा, बेस पेयरिंग, एक तो मतलब ये क्या करेगा कि एडिनिन किससे
इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, मतलब इसके ऑपोजिट में जो पिरिमिडिन होगा, ये क्या है, प्यूरिन है, इसके ऑपोजिट में जो पिरिमिडिन होगा वो क्या होने वाला है, तो आपको पता है यहाँ पे टी आएगा, तो हम ये मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे ए प्रेजेंट है तो इसके ऑपोजिट इससे जो पेयर करेगा वो क्या होगा, टी होगा, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर टी है तो ए होगा, अगर जी है तो उसके ऑपोजिट में सी होगा, ठीक है, अगर सी है तो क्या होगा, उसके ऑपोजिट जो उससे पेयरिंग करेगा वो क्या होगा, जी होगा। ये हमें पता चलता है किसके हेल्प से, बेस पेयरिंग के हेल्प से एंड कॉम्प्लीमेंट्रिटी की हेल्प से। मतलब क्या हुआ कि ये बेस पेयरिंग करता है, उसी के बेसिस पे ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड भी बना सकता है। जैसे ये हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया, अब यहाँ पे ये दूसरा स्टैंड भी बना सकता है। इस तरीके से मैं अगर दिखाऊं इसको खोल के, ये दो स्टैंड थे, हमने इसको सेपरेट कर दिया, जैसे ए एंड बी, ओके। अब हम क्या करते हैं, अगर ये जो स्ट्रैंड है ये क्या करता है, अपने इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, ये दोनों क्या है, टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड क्या है, टेम्पलेट्स हैं, इनको खोल दिया। अब क्या होगा, ये अपने आप को एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना लेंगे, मतलब अपना ही एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड भी बना लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमें पेयरिंग करनी है ए को किसके साथ, टी के साथ, इसको ए के साथ, इसको किसके साथ, सी के साथ, जी, इस तरीके से इनको क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। तो उसी के बेसिस पे ये एक स्ट्रैंड बना लेंगे जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, ठीक है। ये मैंने खोल के लिखा है, थोड़ा सा आपको समझ में आया था कि इस तरीके से अपना दूसरा स्ट्रैंड बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये क्या है, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो डीएनए के अंदर ये फीचर मिलता है कि वो क्या करता है, बेस क्या बना सकता है, पेयरिंग कर सकता है। एंड इसी तरीके से ये भी दूसरा जो स्ट्रैंड है टेम्पलेट वाला, वो भी क्या कर सकता है, पेयरिंग बेस पेयर बना सकता है, मतलब दूसरा स्ट्रैंड इस तरीके से वो बना सकता है, ओके। तो ये जो डीएनए है ये बेस पेयरिंग भी करता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड भी बना सकता है, इसके अंदर ये फीचर है। तो इसका मतलब जो डीएनए है वो इस चीज को फॉलो करता है, इस रूल को। अब जो दूसरा है आरएनए, अगर हम देखते हैं आरएनए, डीएनए के अंदर दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या, बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बना सकता है, बेस पेयरिंग करता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बना सकता है। आरएनए जो है, आरएनए आप सबको पता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है इस तरीके से, तो ये भी पेयरिंग तो कर सकता है, ठीक है, इसके अंदर भी बेस पेयरिंग होती है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, जैसे ये कोई हमारा आरएनए है, ठीक है, तो इसके अंदर इस तरीके से ये होते हैं, तो इनमें आपस में ही क्या हो जाता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। एक ही जो आरएनए है उसी के अंदर एक ही स्ट्रैंड में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है इस तरीके से। जैसे यहां पे आ जाएगा जी सी, इसका एक ही स्ट्रैंड है, इसी के अंदर ये टी नहीं आएगा, सॉरी, आरएनए में टी नहीं होता, यू होता है, ओके। इस तरीके से इसमें भी बेस पेयरिंग की कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो आरएनए एंड डीएनए दोनों ही ये काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए जो आरएनए है वो भी क्या कर सकता है, अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बना सकता है, हालांकि सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, बट ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री अपनी कॉपी बना सकता है। जैसे यहाँ पे ए टी जी सी, टी नहीं, सॉरी, यू होता है, यूरेसिल होता है, इस तरीके से इसके अंदर मिलते हैं। तो ये क्या करेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये बना लेगा, कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि ये हो गया इसका टेम्पलेट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। ए है तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा, यहाँ पे यू है तो ए आएगा, जी है तो सी आएगा, सी है तो जी आएगा, ओके। इस तरीके से ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना सकता है, ठीक है। ये क्या है, इसका मेन टेम्पलेट,
आरएनए, ठीक है। तो ये दोनों ही कैरेक्टर इसके अंदर मिलते हैं, मतलब ये दोनों ही प्रॉपर्टीज किसकी है, आरएनए की भी है एंड डीएनए की भी है। अब हम बात करते हैं किसके बेसिस पे, तो इसके बेसिस पे तो हम बता सकते हैं दोनों ही काम कर सकते हैं। ये जो है डीएनए, ये मतलब दो कॉपीज हैं इसकी, मतलब दो इसमें टेम्पलेट हैं, इतना डिफरेंस है कि इसमें दो टेम्पलेट हैं, तो ये क्या कर सकता है, दो और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स को बना सकता है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड जो क्राइटेरिया है, सेकंड जो फीचर है, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि ये इनमें से कौन सा बेटर है। तो सेकंड क्या है, सेकंड इसका फीचर है शुड बी स्टेबल, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चरली स्टेबल एंड केमिकली स्टेबिलिटी, यही देखनी है, दोनों की कंपेयर करनी है कि कौन सा स्टेबल है। तो इसमें अगर हम डीएनए की बात करते हैं, डीएनए, तो डीएनए में क्या है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, आप सबको पता है डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो ये है डबल स्ट्रैंडेड होता है डीएनए, जबकि जो आरएनए है, आरएनए वो कैसा है, पहले हम स्ट्रक्चर इसकी बात करें, स्ट्रक्चरली कैसे स्टेबल, कौन सा स्टेबल ज्यादा है। तो इसमें डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, ये ज्यादा स्टेबल है, सो इट इज मोर स्टेबल, बहुत स्टेबल है, एंड ये लेस रिएक्टिव होता है, डीएनए लेस रिएक्टिव होता है एंड क्या है, मोर स्टेबल है। आप सिंपल सी बात है ये, तो आप याद ही रखिए कि जो जितना, जिसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता है, जो जितना स्टेबल होता है वो उतना ही कम रिएक्टिव होता है। हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं कि जो जितना स्टेबल है वो उतना ही कम रिएक्टिव है, एक्टिव कम है, ऐसे समझिए। एंड जो जितना स्टेबल नहीं है, मतलब जो जितना रिएक्टिव है तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो आरएनए क्या होगा, आरएनए यहीं पे नीचे लिख लेते हैं, आरएनए क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक सिंगल सा स्ट्रैंड होता है आरएनए में इस तरीके से, ओके, एंड इट इज मोर स्टेबल, सॉरी जो आरएनए है वो लेस स्टेबल होगा। देखिए आप खुद ही सोच सकते हैं, जिसमें दो स्ट्रैंड हो इसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड हो, ओके, तो इसमें स्टेबिलिटी देखें तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, दो स्ट्रैंड वाला, ठीक है। इसमें आपस में जो दोनों स्ट्रैंड है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसमें क्या है, ये लेस स्टेबल होता है एंड मोर रिएक्टिव होता है। उसका रीजन जानेंगे केमिकली कि क्यों ये रिएक्टिव होता है, समझ में आया, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है एंड लेस स्टेबल है एंड मोर रिएक्टिव है, क्लियर है। आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है ये, तो क्या होता है, जैसे कि हमारा अभी जो फिलहाल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोरोना, तो कोरोना में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है बताइए, जेनेटिक मटेरियल कोरोना के अंदर होता है आरएनए, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फटाफट म्यूटेशन करता है, फास्ट म्यूटेशन करता है एंड क्या करता है, अपनी कॉपीज बना लेता है, तो इन्फेक्शन हम देखते हैं हमारी बॉडी में कितनी जल्दी हो। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल स्टेबिलिटी की, कि केमिकली किस तरीके से स्टेबिलिटी को शो करते हैं, मतलब कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डीएनए की, डीएनए जो है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें होता है डी ऑक्सी राइबोज शुगर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे स्टार्टिंग के, जिसमें मैंने न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि सेकंड कार्बन पे एच प्रेजेंट होता है। देखिए इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देती हूं, तो इसकी कार्बन नंबर वन, ठीक है, वन डैश, टू डैश, थ्री डैश,
फोर डैश एंड यहाँ पे CH2OH होता है तो ये 5-. इस तरीके से होती है राइबो शुगर, एक तरीके से डी ऑक्सी राइबो शुगर है. इसका मतलब जो सेकेंड कार्बन है यहाँ पे OH नहीं होता है, क्या प्रेजेंट होता है, ओनली H प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये क्या है, डी ऑक्सीराइबोस प्रेजेंट है. अब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे तो ये लीड करता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव है एंड मोस्ट स्टेबल है. ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती तो वो रिएक्टिव ज्यादा हो जाता एंड स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती. समझ पा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये क्या है, स्टेबल है. 2-. पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, इसकी वजह से क्या है, स्टेबिलिटी होती है इसके अंदर. पहला रीजन हो गया. दूसरा क्या है, दूसरा इसका पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, थायमिन. थायमिन जो होती है, थायमिन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से क्या है कि ये मोस्ट स्टेबल ना लिख के हम लिखेंगे लेस रिएक्टिव. जब लेस रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये स्टेबल होगी. ओके, समझ पा रहे हैं. तो दो आपको केमिकली समझ में आया, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर जाके हम देख रहे हैं कि इसमें जो शुगर है जिसमें 2- पे जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर हाइड्रोजन मिलता है जिसकी वजह से डीएनए क्या है, स्टेबल होता है. दूसरा इसके अंदर क्या मिलता है, थायमिन मिलती है. थायमिन जो कि क्या है, थायमिन नाइट्रोजनस बेस है, तो थायमिन है इसकी वजह से क्या होता है, ये स्टेबल होता है. ओके, अब हम बात करें आरएनए की. तो आरएनए में क्या होता है, इसको साफ करना पड़ेगा. आरएनए में क्या होगा कि फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो सेकंड कार्बन है वहां पे OH प्रेजेंट होता है. जब OH प्रेजेंट है तो इसकी वजह से क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया. यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, जो राइबो शुगर होती है उसमें OH प्रेजेंट होता है. ठीक है, इसमें हम कौन सी शुगर यूज में लेते हैं, OH. आरएनए में कौन सी शुगर होती है, राइबो शुगर. तो यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, OH प्रेजेंट होता है. ठीक है, लेकिन डीएनए में क्या है, H प्रेजेंट है. क्लियर है, ये एक शुगर है, इसके साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है एंड यहां पे फिफ्थ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, आपको पता होगा ये तो. ओके, तो यहां पे OH प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये रिएक्टिव होता है, लेस स्टेबल. दिख रहा है. दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट है कि इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है. यूरेसिल इज प्रेजेंट. अब यूरेसिल प्रेजेंट है तो ये कैसी है, यूरेसिल लेस स्टेबल है. ये कैसी है, मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल. ठीक है, इसमें आरएनए में क्या मिलता है, यूरेसिल मिलता है, किसकी जगह पे, थायमिन की जगह पे. मतलब वहां पे जो यू है वो मिलता है किसके प्लेस पे, टी की प्लेस पे. मतलब टी नहीं मिलता, थायमिन नहीं मिलता इसमें, ए यू सी जी. ओके, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इसकी जगह यू की जगह ए आएगा, ए की जगह यू आएगा. ओके, ए जी एंड सी, इस तरीके से इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं. समझ में आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है एंड डीएनए में क्या प्रेजेंट है, थायमिन प्रेजेंट होता है. इसमें सेकेंड जो कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है डीएनए में, जबकि आरएनए में क्या है, आरएनए में प्रेजेंट है OH ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है सेकंड कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से ये आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो कम केमिकली क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगी एंड रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, एंड एक और उसका केमिकल नेचर हम लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या होगा कि ये जो आरएनए होता है, पहले डीएनए की बात कर लेते हैं, डीएनए नेवर एक्ट
एज कैटलिस्ट, मतलब जो डीएनए है वो कभी भी ऐसे कैटलिस्ट यूज किया ही नहीं जाता है, सो कैटलिस्ट की तरह वो काम नहीं करता है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. सो ये किसको लीड कर रहा है, कैटलिस्ट ना होना ये लीड करता है स्टेबिलिटी. जो कैटलिस्ट की तरह काम नहीं करता वो क्या कर रहा है, उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो मोर स्टेबिलिटी. एंड इसके अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की ही, आरएनए की, थोड़ा आप अच्छे से लिख लेना. आरएनए में क्या है कि ये एज ए कैटलिस्ट काम करता है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है. तो इसकी वजह से कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्टिव. तो इसलिए आरएनए क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा, सो लेस स्टेबल. क्लियर है, हमें पता चल गया कि ये किस तरीके से कैटलिस्ट के तरीके से भी यूज किया जाता है, इस वजह से ये क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है बट लेस स्टेबल होता है. ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि केमिकली एंड स्ट्रक्चरली कौन स्टेबल है. तो इस वजह से हम बता सकते हैं कि जो डीएनए है वो गुड जेनेटिक मटेरियल है. समझ में आया, तो सेकंड पॉइंट से क्या प्रूव होता है कि गुड जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए. ठीक है, अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है कि म्यूटेशन किसमें ज्यादा होता है. तो अगर जिसमें म्यूटेशन ज्यादा होगा, मतलब म्यूटेशन होना जरूरी है बट अगर फास्टली कोई म्यूटेट करता है तो वो अच्छा नहीं है. ठीक है, वो सही नहीं है, क्योंकि जो धीरे धीरे म्यूटेशन होता है, धीरे धीरे म्यूटेशन होगा, स्लो चेंजेस होंगे तभी तो इवोल्यूशन होता है. लेकिन अगर फटाफट फास्ट रेट से म्यूटेशन होता है किसी के अंदर तो वो सही नहीं है, वो जेनेटिक मटीरियल स्टेबल नहीं होगा. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डीएनए की, डीएनए में क्या होता है, स्लो म्यूटेशन. स्लो म्यूटेशन है जिसकी वजह से लीड्स एवोल्यूशन. ठीक है, एवोल्यूशन की तरफ ये बढ़ता है. अगर बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए में क्या है, फास्ट म्यूटेशन. अगर हम बात करें कोरोना, तो उसके भी वेरिएंट्स आ रहे हैं क्योंकि उसमें म्यूटेशन बहुत फास्ट हो रहा है. ठीक है, म्यूटेशन जब फास्ट होता है तो क्या है, उसके वेरिएंट्स बनते चले जाते हैं, और ज्यादा म्यूटेशन हो गया उसके और वेरिएंट्स बन जाएंगे, तो वो एक सही कंडीशन नहीं है. ठीक है, फास्ट म्यूटेशन होता है सो क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा. ठीक है, जिसके अंदर फास्ट म्यूटेशन हो रहे हैं तो वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा. क्लियर है, इसका मतलब वो रिएक्टिव ज्यादा होगा. ठीक है, रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव. अब इसके जो लाइफ स्पैन है, एक इंपॉर्टेंट बात, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, सो शॉर्ट लाइफ स्पैन. ये क्या है, इवोल्यूशन से धीरे धीरे म्यूटेशन हो रहे हैं तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा. जब कोई मोर स्टेबल है इसका मतलब लॉन्ग टाइम तक ये रह सकता है, लॉन्ग लाइफ स्पैन. जैसे कि हमने किसमें देखा था, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया. फॉर एग्जाम्पल, ग्रिफिथ ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था. उसमें उन्होंने क्या किया था कि जो बैक्टीरिया था उसको हीट किल्ड किया था. ठीक है, हीट से उसको मार दिया था, हीट किल्ड बैक्टीरिया. जब उस, तो
तो हम बोल सकते हैं कि जब उसको एक अच्छी कंडीशन मिली, मतलब जो उसको एप्रोप्रिएट जब कंडीशंस मिलती हैं, तो वो क्या करता है, मतलब जो बैक्टीरिया जो मर चुका है, जब उसको अच्छी कंडीशन मिली तो वो उसका जो डीएनए कुछ हद तक जो कि डैमेज हुआ था, बाकी वो बचा हुआ था, जब अच्छी कंडीशंस आती है तो वो अगेन वो क्या कर देता है, अपने आप को बना लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट कर बैक्टीरिया में हमने देखा था कि इसकी जो लाइफ स्पेन है, इसका मतलब जो डीएनए की वो ज्यादा होती है, डीएनए की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि उसमें डीएनए था बैक्टीरिया में, तो वो क्या हुआ, वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो गया था, लेकिन जैसे ही उसको एक अच्छी कंडीशन मिली, एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिली, तो वो क्या हो जाता है, अगेन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अगेन अपने आप को बना लेता है। तो इससे ये मतलब प्रूव होता है कि डीएनए है वो लॉन्ग लाइफ स्पैन होती है उसकी, एंड जल्दी से वो खराब नहीं होता है, डी नेचर नहीं होता है। यहाँ पे प्रोटीन की तो हम बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि जो प्रोटीन होती है वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को सहन नहीं कर सकती एंड डी नेचर हो जाती है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, एबल टू एक्सप्रेस, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना, किस तरीके से मेंडेलियन जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो प्रॉपर्टी है वो किसमें ज्यादा होती है, किसमें अच्छी होती है। तो हम बात करें डीएनए वर्सेस आरएनए, ये दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, बट क्या है, डीएनए को क्या करना पड़ता है, पहले बनाना पड़ता है आरएनए, एंड आरएनए क्या करता है, फिर अपने आप को किसमें ट्रांसलेट करता है, प्रोटीन बनाता है, एंड प्रोटीन जब बन गई, इसका मतलब आरएनए ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, क्या बनाता है, ट्रेट एक्सप्रेस होती है। ठीक है, जिस तरीके की प्रोटीन बनी है उसी तरीके की ट्रेट हमारी बॉडी में दिख जाती है। ठीक है, उसी तरीके की वो गुण, वो ट्रेट किस तरीके की है वो शो हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए डायरेक्टली तो ट्रेट एक्सप्रेशन नहीं कर रहा, किसकी हेल्प से कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए। पहले उसको आरएनए बनाना पड़ता है, उसके बाद प्रोटीन बनती है, एंड जो प्रोटीन बनेगी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। तो मतलब डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता। ओके, तो इसके मामले में आरएनए बेटर है। आरएनए क्या करता है, सीधा सीधा प्रोटीन का ट्रांसलेशन हो जाता है। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बना का क्या होता है, ट्रांसलेशन, तो ये प्रोटीन बन गई, एंड जो प्रोटीन बन गई तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। ठीक है, ट्रेट एक्सप्रेशन, मतलब जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस हो जाएगी। तो आरएनए is better than DNA। ठीक है, कि मतलब अगर हम इस कैरेक्टर को देखते हैं कि कौन अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, तो वो कौन है, आरएनए है। वो फटाफट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आरएनए से वो डायरेक्टली प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन से क्या हो जाता है, ट्रेट एक्सप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे ट्रेट एक्सप्रेस हो गई, इसका मतलब क्या होगा, उसका वो कैरेक्टर उसमें शो हो गया, यही मतलब होता है। तो देखिए, इसे क्या कंक्लूजन निकलता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए क्या कर सकता है, स्टोरेज के लिए गुड है। किसके स्टोरेज के लिए, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसके स्टोर करने के लिए वो बहुत अच्छा होता है डीएनए। ठीक है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, तो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करके आराम से रख सकता है, क्योंकि स्टेबल है। बट जो आरएनए होता है वो क्या करता है, वो ट्रांसमिशन में ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके तो नहीं रख सकता, लेकिन उसको फटाफट क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। तो ट्रांसमिशन में कौन अच्छा है, आरएनए अच्छा है। ठीक है, फटाफट वो क्या करता है, अपने आप को वो प्रोटीन बना लेता है एंड ट्रेट को एक्सप्रेस कर देता है, तो ट्रांसमिशन उसमें जल्दी होता है। ओके, तो यही हो रहा है कोरोना वायरस में भी, ट्रांसमिशन फटाफट हो रहा है, अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है वो। ठीक है, तो क्योंकि उसमें जेनेटिक जो है वो कौन है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो देख लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं, डीएनए, इसका कंक्लूजन क्या निकला, डीएनए इज बेटर फॉर स्टोरेज ऑफ फॉर
स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए क्या बेटर है? डीएनए. बट आरएनए क्या है? इज बेटर. फोर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, कौन अच्छा रोल प्ले करता है? डीएनए. बट ट्रांसमिशन में कौन ज्यादा अच्छा है? आरएनए. समझ में आया? तो ये इसके फोर कैरेक्टर्स बता सकते हैं, कैरेक्टर्स या फिर फीचर्स बोल सकते हैं, या फिर हम क्राइटेरियाज बोल सकते हैं कि चार जिसके अंदर क्राइटेरियाज हैं वो ही एक गुड जेनेटिक मटेरियल है. तो इससे प्रूव होता है कि जो डीएनए है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है. बट आरएनए कुछ वायरसेस में मिलता है, जैसे क्यूबी वायरस हमने देखा, टीएमवी वायरस जो हमने देखा, क्यूबी बैक्टीरियोफाज हमने देखा, एंड टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस हमने देखा. इसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. अब जो आरएनए है वो किस तरीके से काम करता है, वो अडेप्टर की तरीके से भी काम कर सकता है, वो कैटेलिस्ट भी होता है. ठीक है, तो ये बहुत रिएक्टिव है, डीएनए लेस रिएक्टिव होता है. सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे फिनिश होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आरएनए वर्ड कि आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि कौन सा बेटर जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, कल वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन पहले आया. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं, दो तीन पॉइंट हैं, उनको हमें याद करना है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.